अस्सलामुअलैकुम, ये अली गोहर यूट्यूब चैनल। खबर दें आपको फैसलाबाद से, सदर पाकिस्तान पठानाथाब अयाज खान तरीन कहते हैं, कोरोना से डरना नहीं बल्कि इसका हिम्मत से मुकाबला करना है। हुकूमत पाकिस्तान की तमाम हदायात पर अमल करके कोरोना जैसे मूजी वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु वनसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा पूरे कौम से ये अपील है कि हुकूमत पाकिस्तान जो तबादीर दे रहा है इसके बारे में, इसके ऊपर 100% अमल करे। और क्योंकि जब आपात आती है, कोई वबा आती है, तो कौमें जो है ना उसके डट करके मुकाबला करते हैं। और इस टाइम अपने सियासत को बलाताक रख करके एक कौम बनना चाहिए कि इस वबा और इस बीमारी का हम और आपने पूरा मुकाबला करना है। जो जो हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें जो जो हिदायत देती है उसी के मुताबिक हम अमल करें। जब अमल करेंगे तो इंशाल्लाह लजीज ये बहुत जल्द से जल्द हम इसको शिकस्त देंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब आपात आती थी, कोई वबा आती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि आप जिधर आप हो आप उधर ही रहो और उधर से फिर जो है ना मुंतकिल भी ना हो, वो जगह छोड़ करके और कहीं और नहीं जाना। तो ये जो है ना इसके ऊपर हम और आप अमल करें। और पूरे कौम से मैं दोबारा अपील करता हूँ, अपने रब को राज़ी करें। जब अल्लाह को राज़ी कर दिया, तौबा निकाल दिया, अल्लाह सारे मसले हल कर देगा। हाँ जी, कोरोना से डरना नहीं, इससे लड़ना है। ये हमारा और आपका मिशन होगा। ये हमने अपने अजीज़ों में, अपने घरों में, अपने दोस्तों में इसको इतने फैलाओ। मीडिया का भी बहुत ताउन है माशाल्लाह। और हम एक मुल्क है, एक कौम है, और एक कौम का सबूत दे कि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते इसका मुकाबला हम करेंगे जी।